अपना चैनल एंड आज मैं बनाने लगी हूँ लाइक पहला फुल व्लॉग एंड इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट LPU की वहाँ पे मैं कैसे अपना डे स्पेंड करती हूँ एंड ऑल दैट। तो मैं उठ चुकी हूँ एंड मैं बस तैयार होने वाली हूँ, सो लेट्स जस्ट गेट इन टू दिस व्लॉग एंड आई होप आपको ये पसंद आए देखने में। एंड मैं रेडी हो गई हूँ, बस मुझे शेक पीना है। रात को ना मैं थोड़ा लेट सोई थी तो आज मुझे इतना वो हेक्टिक सा लग रहा है ना जाने में। एंड ऑल डन। ऑल्सो मैंने फेस पे बस मॉइस्चराइजर लगाया है, उसमें थोड़ा सा सनस्क्रीन मिक्स करके, कि बहुत गर्मी है तो मैं बिल्कुल मेकअप करके नहीं जाती हूँ कॉलेज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब ना इतनी चिपचिप वाली गर्मी है तो यार आप क्या ही मेकअप करो। तो दिस इज़ लाइक मैं सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर और कभी कभी उसमें सनस्क्रीन मिक्स कर लेती हूँ, मैंने आज भी किया है। एंड चलो, सो इतनी गर्मी है तो आई प्रेफर गर्मी में ब्रेड, बिकॉज वो ईजी रहता है टू मैनेज योर हेयर्स, आपके हेयर्स गंदे भी नहीं होते हैं गर्मी से एंड आपको भी बिल्कुल घबराहट नहीं होती है। मेरी मम्मी मुझे ना डेली इतना बड़ा ग्लास देती है बनाना शेक का, कभी कभी साथ में लाइक परौंठी या सैंडविच भी होता है, बट आज मम्मा घर नहीं तो सिर्फ शेक एंड आई एम फीलिंग लकी कि यार ठीक है। उनकी पता है क्या, सुबह सुबह ना खाया तो जाता है, बिकॉज मेरी ऐसी आदत है कि उठने के ना आधे घंटे बाद मुझे खाना चाहिए होता है, तो तैयार श्यार होते होते नहाते धोते इतना टाइम तो हो ही जाता है कि मुझे भूख लग जाती है, बट स्टिल ना मुझसे शेक के साथ ना स्पेशली बनाना शेक के साथ आई प्रेफर समथिंग लाइट, लाइक नट्स दे दो या सैंडविच दे दो, बट प्रॉपर ब्रेकफास्ट तो नहीं हो पाता। आई फील कि बनाना शेक ही इट सेल्फ में ही बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। चलो सब हो गया, मुझे सिर्फ लिप बाम लगाना है। मैं लिप बाम एंड में लगाती हूँ क्योंकि इससे पहले मैं लिप ऑयल लगाती हूँ सबसे पहले, तो जब तक लिप ऑयल सेटल डाउन हो जाता है उसके बाद मैं लिप बाम लगाती हूँ जाने के लिए। नो लिपस्टिक, नेचुरली जाओ और गर्मी में आई फील नेचुरल रहना ना सबसे ईजी है एंड सबसे ज़्यादा हेल्दी भी आपकी स्किन के लिए। चलो चले। एंड आज लकीली ना मैं थोड़ा टाइम पे तैयार हो गई, वरना नॉर्मली तो ना मुझे भाग दौड़ मची होती है कि यार काम पे जाना है काम पे जाना है, लेट हो ही जाता है। बट आज मुझे भी बताना कि आपको क्या सेम लेवल ऑफ इरिटेशन होती है जब क्या यार कार क्लीन करने वाले भैया ना आपकी सीट की सारी सेटिंग हिला देते हैं। मतलब सुबह तो ना मेरे 5-10 मिनट तो ना सीट एडजस्ट करने में ही चले जाते हैं, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि यार मैंने अच्छी पहले एडजस्ट करी हुई थी अपनी सीट, क्यों ही आप छेड़ते हो, अच्छा भला क्लीन करो ना इस सीट को क्यों छेड़ते हो। मैं पहुंच गई हूँ LPU एंड जल्दी आने का ना ये थोड़ा फ़ायदा होता है कि आप 2 मिनट ना अपनी कार में बैठ के ना थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो एंड प्रिपेयर कर सकते हो कि यार अब जाना है, गर्मी झेलनी पड़ेगी एंड ऑल दैट। ऑल्सो थैंक्स टू LPU मेरे को बैक एक का प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मैं ये कुशन्स रखती हूँ अपनी चेयर पे। एक एक्स्ट्रा भी आएगी ना ये चीज़ तेल वाली। आई कांट टेल हाउ डन आई एम फीलिंग आफ्टर हैविंग फूड, बहुत काम है। हां
इतना वेदर हो रहा है ना, मतलब आई रियली विश कि यार किसी दिन तो बारिश दे दे, पर बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा। पता है 12:30 बज रहे हैं बट स्टिल इतनी ज़्यादा एनर्जी डाउन हो चुकी है ना कि मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि यार 5 बजे ताकि मैं घर जाऊँ। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में ना काम पे आना ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। मतलब गर्मी हैंडल ही नहीं हो रही है इस बार। मुझे जरूर बताना कि जहाँ जहाँ भी आप रहते हो वहाँ की सिटीज़ या स्टेट्स में कैसा मौसम है। फाइनली 5 बज गए हैं एंड इट्स टाइम टू गो होम। अब जाना है घर। मुझे ना घर जाने के टाइम पे बहुत एक्साइटमेंट होती है, मतलब इतना वो वाली फीलिंग आती है जैसी फीलिंग स्कूल से घर जाने के टाइम आती थी ना बचपन में, बिल्कुल सेम वैसी फीलिंग आती है। एंड ये था छोटा सा व्लॉग LPU के ऊपर, तो फर्स्ट ट्राई था यार व्लॉग बनाने का, आई होप आपको पसंद आया हो। एंड क्या क्या और ऐड कर सकते हैं कुछ और वो मेरे को ज़रूर सजेशन देना कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ। बट टिल देन आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।